होगी और हुई जाए तो वो पचे ही ना जले ही ना। चंचल नारन भाई किसी की नजर में बाधा था रखना। बाने जैसी देखो नैनन की गांसी बुरी देती कले जो चीर खान पान भावे नहीं दुर्बल हो तू शरीर। कागा अंधो रात में और दिन में उल्लू होए कामी अंधो रात दिन जाकी बुद्धि गई सब खोए। उग्रसेन को रूप बनाओ रानी के पास में आके आवाज लगाई रानी आंखें खोलो आंखें खोलो। रानी ने आंखें खोली तुम बोले हाँ क्यों अच्छा नहीं लगा तुम चली आई कोई बात ना। बाने कुछ उल्टी सीधी बातें करी रानी ने समझा कि हमारे ही पति हैं। जवाब दिया कि तुम बड़े विद्वान हो इस समय दिन का समय ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते हैं। नितासा सनो योगेश चिलाई तो न बता रही ये बिटिया हमारे गले में नोटों का हार डाल करके हमारा सम्मान करती हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान का नए धर्म की ओर बढ़ाते रहे समाज में सम्मान मिलता रहे ठाकुर जी की दया दृष्टि बनी रहे। तो चार उल्टी बातें करी लेकिन वो समझ नहीं सकी बाकी साथ में छल कर दियो है बाकी बाद अपने रूप में आओ। तो रानी को बड़ा क्रोध आया। रानी ने कहा दुष्ट तुझे पहले पहचान लेती तो अपनी शक्ति से तुझे मार देती और मिट्टी में मिला देती। जैसे उसने कहा है तो कहा कि नहीं रानी मुझे तुम्हारी खाली गोदी देख करके अफसोस था मैंने खाली गोदी भरी है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे कैसा पुत्र पैदा होगा। बोली है कि जानती हो तेरे जैसा दुष्ट पैदा होगा और कैसा पुत्र पैदा होगा। कहा नहीं दुष्ट नहीं पैदा होगा बहुत अच्छा पुत्र पैदा होगा मेरे समान योद्धा होगा और भाई जीत न कोई पाएगा राजा और नर की बात कहां बस इंद्र हार कर जाएगा। और ये संध्या साकी ये बहन जी हमारे गले में नोटों का हार डाल करके सम्मान करती हैं। परमात्मा सदैव आगे बढ़ाता रहे समाज में सम्मान मिले बहन की लंबी आयु बना रखे परमात्मा बहन की जिंदगी में हमेशा फूल खिलते रहे हंसती और मुस्कुराती रहे यही आशीर्वाद की कामनाएं करते हैं। तो देखिए जैसे ही कहा है कि मेरे समान योद्धा होगा वह जीत न कोई पाएगा राजा और नर की बात कहा बस इंद्र हार कर जाएगा। पांव पटकता हुआ चला गया।
एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न सीलम गुणो न धर्मे ते मृत लोके बहु व्यवहार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। न यस्य है न विद्या है न तप है न ज्ञान है न सील है न गुण है न धर्म है, ऐसे मनुष्य आज भी इस पृथ्वी पर भार है, मृगे के समान चरते हैं। रानी वहां से आगे बड़ी सहेलियां मिली और दशा को देखा तो पूछा, बहन ये दशा तुम्हारी कैसी बिगड़ गई? बाने इज्जत पे पर्दा डाली और बोली है, बहन यहाँ पर एक बंदर आया, अकेला देख करके मेरी दशा को बिगाड़ दिया। वहां से चली आई। देखिए कभी भी अगर कोई काम करो तो सोच समझ करके करना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल के फिर आम कहां से खाए। रानी बहुत पछता रही। एक मन से सोचती है कोई बात नहीं, हो सकता है मुझे वरदान दिया हो। रानी घर चली आई। धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत हुए हैं और जब 9 महीने व्यतीत हुए तो रानी ने एक बेटा को जन्म दिया है। और जैसे ही 9 महीने के बाद में एक बेटा को उसने जन्म दिया है, जन्म होने के बाद में उग्रसेन को पता चला है ना, तो बहुत धन लुटाया, बेटा की जन्म कुंडली बनवाई, बताया मृगाश्राक नक्षत्र के तीसरे चरण में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम कंस होगा। दक्षिणा लेके चलेगी, कंस बड़ा होता जा रहा है, अत्याचार करने लगा। जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसा ही अत्याचार करता जाता है। खेलते हुए बच्चों को देखता, सरियों में फेंक देता, किसी की भौजा तोड़ देता, किसी का पैर, किसी की जीभ को काट लेता। बेटा पर अधिक लाड़ था उनका, जब बेटा पर अधिक लाड़ हुआ है बेटा बिगड़ता जाता है। घर में शिकायतें आने लगी, समझाया पर उसके दिमाग में एक भी बात नहीं आई, ऐसा ही करता रहा। कंस 8 वर्ष का हुआ और जब 8 वर्ष का हुआ था तब कंस ने अपने बाप की एक भी बात नहीं मानी और कहा कि तुम पे बुढ़ापा आ गया है, अब तुम राज्य करने लायक नहीं हो। पगड़ी को उनके सिर से उठा लिया, मुकुट को उतारा और अपने सिर पे लगा लिया, कहा तुम्हें आराम की जरूरत है, बुढ़ापा है तुम्हारी तरफ पे, तुम राज्य करने लायक नहीं हो। अरे कैसा राज्य चलाते रहे, लोगों को बहकाते रहे, हवन कराते रहे, इंसान को कमजोर बनाते रहे, ऐसे राज नहीं चलता है। पिता बोले, क्यों बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहा है, हम राज्य करने लायक क्यों नहीं? बोले अब नहीं हो, एक बात ध्यान रखना,
अगर घर में बेटा हो जाए, घर में बेटा हो जाए, छोटा है तब तक आप कितना भी प्रेम कर लो, कितना भी अकड़ लो, लेकिन जैसे ही बाप की चप्पल बेटा के पैर में अगर फिट बैठ जाए तो समझ लेना कि ये हमारा हमारा बेटा नहीं, हमारा ये बेटा नहीं, बराबर का हो गया, हमारा एक दोस्त हो गया। इस तरह से अगर समझोगे तो ठीक है, जी सोची जी बेटा है और हम बाप है, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए और तुम गालियां दो या मार दौर करो, नहीं सुनेगा, ना मार खाएगा, ना ज्यादा ऊंचे सुर की बात पसंद करेगा। बेटा जैसे ही अगर बराबर का हो जाए तो ऊंचे सुर में बात करना बंद कर दीजिए, उसे गालियां देना बंद कर दीजिए, समझ लेना ये हमारे बराबर का हो गया, कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। बेटा को उतना ही प्रेम दो, उतना ही लाड़ दो। कंस ने कहा है कि अब तुम राज करने लायक नहीं हो, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात।